तो अपन को लोकी का स्केच ड्रॉ करना है ग्रिड मेथड से। तो जरा याद करो, ठीक है, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। तो अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलना है तो एक्स एक्सिस का क्या होगा, 5, ठीक है। एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना अपन 5, और वाई एक्सिस में ये आता है तो 7, तो 5.7 कहलाएगा ये पॉइंट। ये पॉइंट देखना है तो ये 8.4 कहलाएगा। ये पॉइंट देखना है तो 2.2, ये 3.2, ये 4.2, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ये इधर से, ठीक है। ये वाला हिस्सा बनाएंगे पहले अपन एक कॉलर इसकी। तो अपन का स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसका नियरेस्ट पॉइंट देखो, ये कौन सा है, 4.9। 4.9 के कितना नीचे है ये, तो मैं पहले 4.9 छोड़ूंगा अपने में। 4.9 आता है ये रहा पॉइंट। अब मैं अपने रेफरेंस में देखूंगा 4.9 से कितना नीचे है। तो छोटा स्केल लिया मैंने, ये है पॉइंट, ये 0.9 सेंटीमीटर नीचे। तो मैंने यहाँ 4.9 पे 0.9 सेंटीमीटर पे मार्क लगाया, ठीक है, हल्का सा। ये देखो छोटा सा लगा रहा हूँ, बहुत खींच नहीं रहा हूँ। फिर मैं यहाँ इधर पे उंगली रखी, मैं आगे बढ़ता गया, नेक पे अब ये वाला पोर्शन आता है। ये मैं देखता हूँ ना कि ये जो अपन की शेप है वो कौन सी लाइन को कट कर रही है। इस लाइन को कट कर रही है, नियरेस्ट पॉइंट ढूंढो, ये रहा, इससे कितना राइट है ये, 0.4 सेंटीमीटर। तो 0.4 सेंटीमीटर यहाँ मार्क कर दिया मैंने। मैं नीचे बढ़ा, ये यहाँ आता है, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हो 4.11। 4.11 से कितना राइट है, ये है 0.4 सेंटीमीटर राइट, ठीक है। ये मैंने ये वाले कर्व की मार्किंग्स ले ली। अब मैं ये वाला कर्व की लूंगा, तो ये अपने स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक कितनी लाइंस और कितने पॉइंट्स को क्रॉस कर रहा है, मुझे वो मार्क करना होता है अपने शीट में। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से कितना राइट है, तुम इस पॉइंट से ले सकते हो या फिर इस पॉइंट से ले सकते हो। अगर इस पॉइंट से ले तो इस पॉइंट से कितना लेफ्ट है वो देखना है। तो 5.11 से कितना लेफ्ट है, ठीक है, तो 5.11 से कितना लेफ्ट है, 1.3 सेंटीमीटर लेफ्ट है। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग बना दी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये ऊपर आया, ये वाला पॉइंट देखा, ये वाला पॉइंट क्या हुआ, 5.10। 5.10 से कितना लेफ्ट है ये, 1 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मार्क लगाया। अब मैं ऊपर गया, तो ये और ये हिस्सा इन पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, कौन से पॉइंट को, 5.9 और 6.8 को। तो 5.9 हुआ ये, 6.8 हुआ ये। फिर आता है ये, इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, कौन सा पॉइंट हुआ ये, 7.7, ठीक है। और बस ऐसे तो मैंने ये पॉइंट्स बना लिए। अब पॉइंट्स बनाना काफी नहीं होता है, ठीक है, उन्हें करेक्टली ज्वाइन करना। तुम्हारे ये आ रहे कर्व के शेप में, तुम एक सी शेप नहीं बनाओगे। तुम यहाँ से स्टार्ट किया, हल्का सा इसे ज्वाइन किया और ये नीचे की तरफ आ गया एकदम से। ये एक कर्व था पूरा और ये नीचे आ गया। ये उठा मैंने, इधर गया कर्व, इधर गया कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो शेप आ रहा है, ये वाला पॉइंट का भी ले लो, ये कितना नीचे इस पॉइंट से। तो ये आता है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मार्क किया। तो तुम ये देखोगे कि ये जो शेप आ रहा है कॉलर का, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं किया मैंने, मैंने कर्व से किया है, ठीक है। तो ये कर्व से आए हैं, मैं पूरी कॉलर बताऊंगा उसके बाद ही ड्रॉ करना तुम लोग, पहले इतना देख लो। ये वाला हिस्सा आता है, तो ये वाला हिस्सा कितना, बस ये लाइन क्रॉस कर रही है और ये पॉइंट, तो ये लाइन कितने लेफ्ट में क्रॉस कर रही है इस पॉइंट के, ये आता है 0.9 सेंटीमीटर। 0.9 सेंटीमीटर मैंने यहाँ मार्क किया और इस पॉइंट के यहाँ क्रॉस कर रही है, ये थोड़ा नीचे बढ़ेगा। तो ये आया अपना कर्व, ठीक है। और ऐसे तो मैं शेप जो है इसके शेप जितना मिला रहा है, तो मेरे पास रेफरेंस में शेप है, ठीक है, तुम देख के वो शेप ड्रॉ कर सकते हो, तो तुम उसी तरीके से करो, ओके। अब नीचे आते हैं अपन, ये वाला कर्व जा रहा है और फिर यहां से शोल्डर वाला रीजन जाता है, ठीक है। तो ये वाला कर्व निकला, इस पॉइंट पे क्रॉस करता है, ठीक है, फिर ये ऊपर जाता है, यहाँ पे आया ये हिस्सा। तो ये कितना लेफ्ट है, 0.9 सेंटीमीटर लेफ्ट है इस पॉइंट के, तो यहाँ मार्क किया। ऊपर उठता है और फिर यहाँ बढ़ना स्टार्ट करता है, तो यहाँ बढ़ना स्टार्ट करता है, तो इस पॉइंट के कितना ऊपर है, कौन सा पॉइंट है, 6.10। 6.10 ये रहा, कितना ऊपर है इस पॉइंट के, 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 सेंटीमीटर आगे बढ़े, ये क्रॉस करता है इस पॉइंट पे, कौन सा है, 7.9, ये रहा मार्क किया। इस पॉइंट से 0.5 सेंटीमीटर यहाँ होता है, ये मार्क किया मैंने।
ऊपर जाता है, कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से। तो ये कौन से पॉइंट, इस पॉइंट के कितना राइट में है, 7.7 के 0.9 सेंटीमीटर राइट में है 7.7 के, ठीक है। तो ये आता है, तो मैं देखूंगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट लाइन में लाऊंगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे डबल लाइनिंग है, तो तुम्हें याद रखना है कि तुमने कौन सी बनाई। मैंने अंदर ऊपर वाली बनाई है, तो मैं ये इसके नीचे एक और इसके जैसी आउटलाइन भी देनी है पतली सी, ठीक है। बहुत मोटी नहीं करना, सेम इसी शेप में तुम्हें ऐसे ऊपर ले जाना है, ओके। फिर ये देखना, अब यहाँ ध्यान देना सबसे जरूरी चीज कि भाई एकदम से इसे ऐसे ज्वाइन कर दोगे तुम, तुम्हें क्या करना है, कर्व लेके यहाँ है। तुमने देखा ये लाइन ऊपर जा रही है, तुमने यहाँ से एक नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी, ये यहाँ ज्वाइन होगा, थोड़ा ऊपर, कितना ऊपर वो तुम मेजर कर सकते हो, 0.3 आएगा, तुमने 0.3 सेंटीमीटर ऊपर बना। अब तुम्हें कर्व के साथ करना है, ये कर्व ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दो अपने मन से, ये देखो हल्का सा ये डाउनवर्ड फेसिंग कर्व है, ये अपवर्ड फेसिंग कर्व है, तो हल्का सा एक डाउनवर्ड फेसिंग कर्व आएगा यहाँ तक, और फिर यहाँ से कर्व का डायरेक्शन चेंज होके अपवर्ड फेसिंग कर्व हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये अपन ने जो ड्रॉ किया है वो है ये वाला कॉलर वाला पोर्शन, ये जो अपन ने ड्रॉ किया है इस तरीके। अब देखो तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, जैसे तुमने अभी मेजरमेंट लिया, मैं ये वाला पोर्शन कर्व जो है पूरा बिना मेजरमेंट के बनाऊंगा, मैंने हल्के हल्के मेजरमेंट यहाँ यहाँ मार्क करे ऐसे, ये नीचे की तरफ ये बना दिया, और बस मुझे इसे ऐसे कर्व के साथ ज्वाइन करना है। तुम्हारा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि बिना स्केल के अपन बस ग्रिड ड्रॉ हो जाए, उसके बाद बिना स्केल के अपन ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो पहले इतना करो।